नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल उत्तम स्टडी में। लंबे समय के बाद, काफ़ी इंतजार करने के बाद बिहार बोर्ड के द्वारा बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2024 का प्रथम मेरिट लिस्ट यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 11th एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है और यदि आपको मनपसंद स्कूल नहीं मिला है तो आपको इसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट हम जो कि यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं। डाउनलोड कैसे करना है आपको आगे बताएंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग समझ लीजिए बिहार बोर्ड के द्वारा 11th में एडमिशन लेने के लिए 8 जुलाई से 14 जुलाई 2024 तक मौका दिया गया है और ऐसे में यदि आपको मनपसंद स्कूल नहीं मिला है या आप अपने संकाय में बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 14 जुलाई तक कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि पहले बिहार बोर्ड के द्वारा जिस भी स्कूल में चयन करने के बाद आपका नाम दिया गया है यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मान लीजिए आपका जिस भी कॉलेज, कोई भी कॉलेज आपको मिला है, ठीक है, और यदि जो आप दूसरे कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हैं, दूसरे स्कूल में नामांकन लेना चाहते हैं, तो पहले उस स्कूल में जाकर के आपको नामांकन करवाना होगा, उसके बाद ही आपको स्लाइड अप करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही आप अपने संकाय को बदल सकते हैं। ठीक है, और एक ही स्कूल कॉलेज में आपका नामांकन फी लगेगा। अब चलिए देखते हैं इंटर एडमिशन का फर्स्ट मेरिट लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, इस तरह से आपका जिस भी स्कूल में चयन होगा इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो 11th एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा रक्षा न्यूज, उसके बाद rakshanews.com वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना। आप जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड 11th एडमिशन मेरिट लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यदि जो यहाँ पे नहीं मिलता तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल करके नीचे को आ जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी जानकारी है दिया गया फटाफट आप लोग पढ़ लीजिएगा। 8 जुलाई से 14 जुलाई तक नामांकन करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड 11th फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2024 डाउनलोड के सामने OFSS पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही क्लिक करिएगा आपको स्क्रॉल करके नीचे गिराना होगा। अब जैसे ही आप लोग नीचे गिराते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आवेदक इंटरमीडिएट कक्षा में चयन के लिए, इस पर आपको क्लिक करना। आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा जो आप लोग आवेदन फॉर्म जो अप्लाई किए थे 11th एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बारकोड नंबर दिखेगा, यहाँ पे फिलअप कर देना है, मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है और इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करके फाइनल नीचे गिराने के बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है, आपका मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। यदि जो डाउनलोड नहीं होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दो बार ट्राई करिए, तीन बार ट्राई करिए, ट्राई करते रहिए। ठीक है, और ज़्यादा आपको ट्राई करने के बाद यदि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको दूसरी मेरिट लिस्ट के लिए इंतजार करना होगा। तो इस तरह से आप लोग फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग कॉल कर सकते हैं।